हाय गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो। आज आ चुका है हमारे पास जो पंच का नया ईवी है वो वाला। देखने में ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आज के वीडियो में बात करेंगे इसी गाड़ी को लेके। तो क्या इसमें नया है, क्या ये पंच ईवी आपके लिए सही गाड़ी है? तो मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं गर्ल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले फ्रंट एंड से। अभी फ्रंट एंड जो है देखने में तो कुछ कुछ सेम जैसा लग रहा है, पर इसमें बहुत सारा चीज़ें ऐसा भी है जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। पहली बात कर ले DRL को लेकर, आ जाइए पास, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा अक्रॉस द कार जो है आपको DRL देखने को मिलेगा। और ये DRL जो है मुझे तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और एक चीज़ बता दें आपको, जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये मिडिल सेक्शन जो है DRL का वो नहीं जलेगा, सिर्फ आपका ही साइड का जो दो यूनिट है वही सिर्फ जलने वाला है। अब जैसे DRL जल रहा है वो तो LED में ही है, व्हाइट लाइट है, पर जब इंडिकेटर आप ऑन करेंगे ना तब कुछ ऐसे देखने में आने वाला है। ये इस साइड पे देख लीजिए, कुछ ऐसा देखने में होने वाला है। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे आपको जो है हेडलाइट मिलने वाला है, ये LED में है। उसके नीचे जो है आपका आइस क्यूब डिज़ाइन में दो आइस क्यूब के जैसा फॉग लैंप भी मिल जाएगा। अब जैसे ये गाड़ी ईवी है तो ईवी में जो है एरोडायनामिक्स को एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो है एयर कर्टन भी मिल रहा है, तो मतलब हवा यहाँ से चैनल होकर पीछे से निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा रेंज मिलने वाला है। हाँ भाई, रेंज मिलने वाला है इससे। अब और एक चीज़ बात कर ले, और क्या है फ्रंट में। पहले बात करें ये जो बम्पर का डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये पूरा डिज़ाइन ये एकदम कंप्लीट न्यू डिज़ाइन में आने वाला है। यहाँ पे आपको एक कैमरा भी मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कैमरा दिया गया है, मतलब समझ जाइए कि आपको जो है 360 डिग्री कैमरा भी आने वाला है। पर सामने कहीं पे भी आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर नहीं मिलने वाला है। तो मतलब ठीक है भाई, गाड़ी भी छोटा है तो कैमरा तो दिया गया है, पार्किंग सेंसर नहीं दिया तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं फ्रंक पे। अब फ्रंक तो है ये, पर कितना फ्रंक है वही बात कर लेते हैं। आ जाइए, देखिए यहाँ पे आपको जगह नहीं है, मतलब आपको सामान नहीं रख पाओगे यहाँ पे, वो प्रोविजन नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है ईवी का एक कवर मिलने वाला है, इसके नीचे जो है ईवी का मोटर दिया गया, मतलब जो पूरा मोटर है ईवी का वो यहाँ पे दिया गया है। पर एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा अजीब लगा, भाई ये ईवी गाड़ी है, सिर्फ मोटर ही है जो इसमें चलता है, फिर भी यहाँ पर इंसुलेशन दिया गया है। अब मेरा एक सवाल है, क्या टाटा को भरोसा नहीं है कि उनका मोटर का आवाज़ का मोटर का जो आवाज़ है कुछ इतना ज़्यादा होने वाला है कि अंदर जाने वाला है, इसीलिए यहाँ पे इंसुलेशन दिया है, या फिर इन जनरल हर गाड़ी में लगा रहा है इसलिए यहाँ भी चिपका दिया है उन्होंने? तो ये तो सवाल जो है वो देना चाहे तो मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, दे सकते हैं। फिलहाल जो है और बात कर ले, तो अभी जो है चार्जिंग जो हेड है वो कहाँ पे वो दिखा दे। तो वो जो है यहाँ पे मिल जाएगा आपको कुछ, और इसको ओपन करने का जो तरीका है ना वो इंटरनल में एक बटन दिया गया है। जब आप बटन उस प्रेस करोगे बटन को, तब ही ये जो है ओपन होगा, और इसको बटन प्रेस करने के बाद भाई कुछ स्टाइलिश तरीके से ऐसे ओपन हो जाने वाला है। यहाँ पे जो है अगर आप इसको सिंगल पैनल ओपन करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है आपका नॉर्मल चार्जिंग के लिए, मतलब AC चार्जिंग के लिए आपको ये इस्तेमाल करना है। जब आप फास्ट चार्जिंग करेंगे तभी जो है आपको ये दोनों यूनिट ही एक्सेस करना पड़ेगा, तभी जो है गाड़ी फास्ट चार्ज होगा। अब चार्जिंग के बाद पे आते हैं तो बता दें आपको, आपको जो है इसके साथ ये स्टैंडर्ड आपको एक 3.3 किलोवाट का चार्जर मिलने वाला है। अब इसका जो है अगर आप लो वर्जन लेते हो, मतलब जो मीडियम रेंज वाला वर्जन है, उसके साथ 3.3 किलोवाट का चार्जर जैसे स्टैंडर्ड आने वाला है। पर अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो उसमें जो है आपको 7.2 किलोवाट का चार्जर भी मिल जाएगा। तो उसके लिए जो है आपको वो होगा आपका DC फास्ट चार्जिंग, तभी जो आपको ये पूरा सॉकेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी गाड़ी जो है फास्ट चार्ज होगा। और क्या है, तो और जो है बैटरी के बारे में बात करेंगे, जब इंटरनल में बात करें तब बैटरी के बारे में बात करेंगे। अभी आते हैं साइड पर, दिखाते हैं साइड पर क्या है। तो पहली बात है, जैसे ये पंच ईवी हमें पता ही है कि भाई ये माइक्रो SUV सेगमेंट में आपको क्लैडिंग देखने को मिलेगा, भाई प्रॉपर पूरा गाड़ी पर जो है क्लैडिंग रन कर रहा है। टायर कोल बात कर ले, यहाँ पे जो है 195/60 R16 का जो है आपको टायर मिलने वाला है। हाँ भाई, R16 टायर दिया गया है, एलॉय भी दिया गया है, तो वो भी जो है थोड़ा एरोडायनामिक्स का ध्यान पे रखते हुए बनाया गया है। डिस्क ब्रेक तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, पर एक चीज और भी साथ में मिल जाएगा। अगर आप कोई भी ईवी गाड़ी ले रहे हो, सिर्फ सामने ही आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, पीछे के पहिया में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। आ जाइए, दिखा देते हैं वहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको जो है मिल जाएगा डिस्क ब्रेक। अब ये डिस्क ब्रेक जो है पावर के लिए नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी जो है करीब 120 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है, उसके लिए सिर्फ उसके लिए नहीं है। हाँ, उसके लिए भी है पर सिर्फ नहीं है, क्योंकि कोई भी ईवी गाड़ी में जो है हम रीजन करते हैं। अब रीजनरेशन के लिए जो है ब्रेक भी चाहिए, अगर डिस्क ब्रेक नहीं होगा तो रीजन नहीं कर पाएगा गाड़ी। तो इसीलिए चारों व्हील्स पे जो आपको डिस्क ब्रेक मिल जाए, ताकि आप अच्छे तरीके से रीजन कर पाओ। और रीजन का बात करें, बता दें यहाँ पे जो है आपको 3 लेवल का रीजन भी मिलने वाला है, और उसका फंक्शनिंग कैसा है वो आपको बाद में दिखाएंगे। पर उसके पहले आपको बता दें कि क्लैडिंग का ये वाला जो हिस्सा नहीं है, प्रॉपर प्लास्टिक का दिया गया, ऊपर का ये तो मेटल दिया गया, पर ये पूरा प्लास्टिक का मिलने वाला है। और ये सेक्शन जो है बिल्कुल जैसे आता है ना पंच में, बिल्कुल वैसे ही, कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। पर यहाँ पे आप देखेंगे आपको .EV का लोगो मिल जाएगा। ये .EV ये पहचान है कि आप जिस गाड़ी के साइड से चल रहे हैं
वो गाड़ी ईवी गाड़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो है मिरर भी दिया गया है, मिरर का साइज मैं तो कहूँगा भाई काफी बड़ा है और मुझे देखने में एक झलक में लग रहा है ये जो है हैरियर से इंस्पायर्ड है या फिर हैरियर की यूनिट उठा के यहाँ पे चिपका दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, नीचे यहाँ पे देखेंगे आपको 360 डिग्री कैमरा का कैमरा यूनिट भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस गाड़ी में जो है एडास रिलेटेड कोई भी फीचर नहीं मिलने वाला है, वो नहीं है, एडास वाला फंक्शन नहीं है, पर गाड़ी काफी सॉलिड बनाया गया है। ऊपर यहाँ पे देखेंगे आपको रूफ रेल भी मिल जाएगा। पीछे आते आते यहाँ पे जैसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 50 लाख कार का सेलिब्रेशन चल रहा है टाटा का, तो उसका स्टिकर दिया गया है। और यहाँ पे जो दरवाजा ओपन करने का जो जगह बिल्कुल ऊपर देता है बिल्कुल वैसा ही दिया गया है। पीछे आ जाइए और दिखा देते पीछे क्या है। तो पीछे का जो लुक्स अगर आप देखेंगे ना तो पूरा ही आपको पंच जैसा ही देखने में मिलेगा आपको, जैसे पंच में हम लोग देख के आ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। पर एक चेंज आपको जो अच्छा लगने वाला है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, वो है ये वाला नया लोगो। हाँ भाई, अगर आप पंच ईवी ले रहे हो तो आपको ये नया लोगो देखने को मिलेगा, साथ में पंच का लेटरिंग डॉट ईवी के साथ, ये भी ब्लैक कलर में काफी अच्छा लग रहा है देखने में, स्पेशली ये कलर के साथ ये कलर काफी स्ट्राइकिंग लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो है रिवर्स में जो कैमरा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे रियर कैमरा। चलिए पीछे देखिए, पीछे का बम्पर का जो स्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा साइज का बम्पर मिलता है पीछे तो, और यहाँ पे आपको ब्लैक मिलने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर इस्तेमाल किया गया है। दो पार्किंग सेंसर मिल जाएगा, कैमरा तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको। यहाँ पे देखेंगे आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगा और ट्राई एरो डिजाइन जो पेटेंट है वो भी यहाँ पे दिया गया है। और बात करें ऊपर के हिस्से में, देखिए यहाँ पे जो है आपको वॉश एंड वाइपर मिल जाएगा, डीफ्रॉग और हाई माउंटर स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटेना, जिसके बिना मतलब मैं क्या ही कहूँ, हर गाड़ी में ही ये मिलने को अभी आ रहा है। और आ जाए एक ईस्टर एग दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको एक राइनो भी देखने को मिलेगा। राइनो अकेला है, मतलब पता नहीं अकेला क्यों है, पर दूसरे साथ में होना चाहिए इसके साथ और कुछ। तो अभी जो है मैं बूट ओपन करके भी दिखा दूं, पर उसके पहले बात कर ले लाइट को लेकर। देखिए लाइट में आपको सिर्फ ये वाला सेक्शन जो है वही जो है एलईडी में आने वाला है, बाकी हर एक चीज जो है आपको हैलोजिन ही आने वाला है, यहाँ पे कहीं भी चेंजेस नहीं किया गया है। यहाँ पे हम जनरली पहले देखते थे एक फॉग लैंप होता था रेयर में, पर वो भी है इस बार ऑमिट किया गया है। अब जो है आप पंच भी लेके ज्यादा दूर तो नहीं करोगे, इसीलिए शायद वो नहीं दिया उन्होंने। और आ जाता है देखिए बूट का जो स्पेस है बिल्कुल सेम है, जितना आता था पहले बिल्कुल उतना ही है। ये बॉक्स में भी एक चीज है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले साइज देख लीजिए, काफी अच्छा साइज में आपको बूट देखने को मिलेगा, पूरा कवरिंग दिया गया, कहीं पर कुछ भी एक्सपोज नहीं है। और बात करें यहाँ पे आपको एक लाइट भी मिल जाएगा आपको, तो सब मिलाकर चीजें काफी अच्छा है। पर हाँ एक चीज बता दें, अगर आप पंच ईवी ले रहे हो आपको तो इसके साथ जो है स्पेयर व्हील नहीं आने वाला है, पंक्चर रिपेयर किट आप जरूर मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इस बॉक्स में, तो इसमें क्या है, तो इसी के अंदर जो है आपका 7.2 किलोवाट का जो चार्जर है उसका चार्जिंग हेड यहाँ पे है, कनेक्ट करना पड़ेगा जब आप गाड़ी खरीदोगे तब, तो घर जाके इसको जो है टेक्नीशियन इंस्टॉल कर देंगे, पर उसके पहले ये ऐसा ही बॉक्स में आने वाला है। पर अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और ये बॉक्स आप लेके नहीं जा पाओगे क्योंकि ये घर में फिक्स हो जाएगा, तो आपको जो है ये टिफिन बॉक्स जैसा साइज में एक बैग में आपको चार्जर मिल जाएगा। दिखा देता है आपको चार्जर भी, आ जाइए पास देख लीजिए, कुछ ऐसा चार्जर जो है देखने को मिलेगा आपको, अभी मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसा मिलेगा। इससे जो है थोड़ा स्लो चार्ज होगा आपका गाड़ी, पर चार्ज जरूर हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। और इसको बिल्कुल ऐसे मतलब टिफिन बॉक्स जैसे आप हाथ में लेके मस्ती से घूम सकते हो कहीं भी। तो और यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे तो जरूर मिल जाएगा। और बात करें पूरा प्रॉपर कवरिंग किया गया है, कहीं पे भी कुछ भी चीज़ जो है ओपन नहीं है, ये एक मुझे अच्छा चीज़ लगा। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे नंबर प्लेट लाइट भी अभी एलईडी में बन चुका है, तो मतलब एफिशिएंसी के लिए हर एक चीज़ डाला है, जो जो चीज़ चाहिए एक एफिशिएंट ड्राइव के लिए। आ जाते हैं इंटीरियर पे, दिखाते हैं आपको सीट पे क्या है। तो भाई इंटीरियर के लिए बात करें इसी साइड से दिखाते हैं, यहाँ पे क्लिप करके दरवाज़ा ओपन करेंगे और सिग्नेचर वाला स्टाइल मतलब 90 डिग्री ओपनिंग, तो वो तो हो ही जाएगा। अब सीट कवर की बात करें, सीट का जो हाइट है ना वो काफ़ी अच्छा हाइट पे है, तो आपके घर में मम्मी पापा को भी चढ़ने या उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस करीब करीब 200 mm के पास है भाई, 200 mm के पास है। और सबसे अच्छा चीज़ पता है क्या, अभी जो है एक चीज़ और भी आपको बता दे इंटीरियर दिखाने से पहले, अगर आप ये पंच ईवी ले रहे हो तो ये कम्प्लीटली एक नया प्लेटफॉर्म पे बना है, इसे कहा जाता है एक्टिव डॉट ईवी प्लेटफॉर्म, मतलब शॉर्ट में वो एक्टिव वाला प्लेटफॉर्म है। ये एक स्केटबोर्ड डिज़ाइन है जो टाटा ने बनाया है। अभी स्केटबोर्ड डिज़ाइन का बेनिफिट क्या है कि इसमें जो है आप बैटरी का जो साइज है वो आपके गाड़ी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो। तो मतलब ये जो है एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका जितना जरूरत हो उतना ही स्पेस आप लेके बैटरी डाल के बाकी गाड़ी को जो है अपने साइज के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पहले हम देखते हैं कि बैटरी जो है पीछे बूट पर डाल दिया जाता था, तो जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा अनइवन बैलेंस हो जाता, पर अभी जो है बिल्कुल बैलेंस होने वाला है। और एक चीज़ जो अच्छा आपको लगेगा ना, यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मैंने दिखाई दिया, नीचे अगर मैं दिखा पाऊँ आपको
जो थोड़ा बहुत मुश्किल है दिखाने के लिए, फिर भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है आपका बैटरी दिया गया, पूरा फ्लोर बोर्ड पे ही आपको बैटरी अच्छे तरीके से बिछाया गया है कि आपका इंटीरियर पे जब आप बैठे होगे ना, आ जाओ यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे फ्लोर बोर्ड जो है वो काफ़ी नीचे है, तो पहले वाला इशू नहीं कि फ्लोर बोर्ड रेज है, आपको पैर ऊंचा करके बैठने में, बैठ के भी आपको दिखा देता हूँ। तो बैठेंगे ना तो कुछ ऐसा लगने वाला है आपको। तो देखिए मेरा पैर जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा नीचे है, तो मुझे एक कंफर्टेबल वाला पोजिशन ज़रूर मिल जाएगा। जैसे वो आइस इंजन में मिलता है, मतलब पेट्रोल डीजल में, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही दिया गया है। अब ये सीट जो है मेरे हाइट के हिसाब से फिर मेरे लिए तो बिल्कुल भी एडजस्टेड नहीं है, तो फिर भी देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा आपको। तो मतलब इतना जगह तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो ज़्यादा लंबा अगर कोई है, मतलब 6 फुट के ऊपर भी कोई है, तो उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ अच्छा भी है, ये सीट जो है थोड़ा रेस्ड है, तो मैं इसके नीचे भी आराम से पैर डाल के काफ़ी आराम से बैठ सकता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। सीट को लेकर बात कर ले, देखिए आ जाइए यहाँ पे, तो दिखा देते हैं आपको कि ये सीट जो है ना प्रॉपर आपको लेदर ही मिलने वाला है। साथ ही में देखिएगा यहाँ पे परफोरेशन का सुविधा भी दिया गया है, पूरा लेदर में डुअल टोन में आने वाला है। यहाँ पे आपको दो हेडरेस्ट मिलने वाला है। हाँ भाई, दो हेडरेस्ट है, फिर भी जो है तीसरे बंदे के लिए अभी भी हेडरेस्ट नहीं है। क्या अभी भी उसका सर नहीं है? टाटा डाल दो एक हेडरेस्ट भाई, क्या चल रहा है ये। फिर भी बताएंगे आपको जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएगा, और हाँ आर्मरेस्ट भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी जो है कलर अच्छा इस्तेमाल किया गया सीट का। अगर देखेंगे ना आप ध्यान से, यहाँ पे ये एलिमेंट जो है हमने नेक्सॉन में देखा था सबसे पहले, इस सीट के बीच में जो है ये मेटल वाला एलिमेंट, ये अभी भी यहाँ पे दिया गया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बात करें इंटीरियर पे, यहाँ पे जो है कोई भी एसी वेंट नहीं है। हाँ भाई, यहाँ पे आप देखेंगे ना आपको कोई भी एसी वेंट नहीं मिलेगा देखने के लिए, पर फोन रखने का यहाँ पे एक जगह ज़रूर आपको मिल जाएगा, वो बिल्कुल बिल्कुल दिया गया। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो नहीं भाई, चार्जिंग पॉइंट भी नहीं मिलेगा आपको। तो इंटीरियर में जितना कुछ सब मैंने दिखा दिया, अब चले आ जाते हैं ड्राइवर साइड पे, दिखाते हैं आपको वहाँ पे क्या है। जो ड्राइवर साइड भी चेकआउट करवा दूँ, उसके पहले बता दें कि देखिए हैंडल जो है वो बॉडी कलर ही आने वाला है, साथ में यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है। अब चाबी को लेकर बात करें तो आ जाइए यहाँ पे, देख लीजिए बिल्कुल नॉर्मल जो चाबी आता है बिल्कुल वैसा ही है, ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं इसमें, बिल्कुल नॉर्मल वाला 4 बटन का चाबी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो अब दरवाज़ा ओपन करते हैं, बता दें देखिए दरवाजा ऐसे में बताया था 90 डिग्री ओपन बिल्कुल होने वाला है। यहाँ पे जो है दो कलर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया, कहीं पे भी कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, चारों विंडो का अपडाउन करने का बटन है यहाँ पे है, पर ड्राइवर साइड जो है ऑटो अपडाउन है। साथ ही में जो है रेयर व्यू मिरर, जिसको एडजस्ट और फोल्ड करने का बटन यहाँ पे, सिल्वर कलर का लॉक बटन यहाँ पे, आपको एक ट्विटर मिल जाएगा नीचे। यहाँ पे देखेंगे आपको जो है एक स्पीकर भी दिया गया है, साथ में पानी रखने का जगह और अम्ब्रेला होल्डर भी आपको मिल जाएगा। सीट को लेकर बात करें, यहाँ पे जो है आपको हाइट एडजस्टमेंट जरूर मिलने वाला, और ये एक खास बटन है, अगर इसको ऑन करें तो समझ जाइए ब्लू लाइट देखे कि भाई सीट में जो है वेंटिलेशन मिल जाएगा आपको, वही वाला चीज यहाँ पे दिया गया है। और इसका जो है 3 स्टेप वेंटिलेशन मिल जाएगा। ड्राइवर साइड का सीट है वो थोड़ा सा यूनिक है भाई, यहाँ पे आपको लेदर मिलने वाला है, यहाँ पे भी लेदर मिलने वाला है, बीच का ये वाला सेक्शन जो है ये आपको फैब्रिक दिया गया है। भाई ये आधा अधूरा चीज क्यों है वो पता नहीं है, पर अगर इंटीरियर पे बैठे ना तो भाई मैं बताऊं कि सीट का जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, और बैठ के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। फोम जो इस्तेमाल किया गया है वो भी ना ही ज़्यादा सॉफ्ट ना ही ज़्यादा हार्ड, तो मतलब आप कंफर्टेबली इसको बैठ पाओगे। अब स्टीयरिंग को लेकर बात करें, स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम नया टाटा में देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही दिया गया है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट को लेकर बात कर ले, स्टीयरिंग जो है आपका टिल्ट करेगा, साथ ही में टेलीस्कोपिक नहीं चलेगा, तो ये जो है सिर्फ अब सिर्फ और टिल्ट ही कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया, ये दो पैनल बिल्कुल खाली है। यहाँ पे छोटा सा जगह चाहे तो कुछ रखते हैं, छोटा नहीं है भाई, बहुत ज्यादा डीप है, मेरा तो हाथ ही चला गया इसके अंदर, ऐसा लगा कि किसी चीज के मुंह में डाल दिया हूं मैं। और बात करें यहाँ पे देखिए डुअल टोन में आपको मिल जाएगा स्टीयरिंग, और पूरा लेदर है स्टीयरिंग, काफी अच्छा फील आ रहा है इससे। स्टीयरिंग व्हील के बीच में टाटा का लोगो दिया गया, इस तरफ जो है आपको क्रूज कंट्रोल है, यहाँ पे आप MID कंट्रोल कर पाएंगे, इस तरफ का जो पूरा बटन यूनिट है उससे जो है आप म्यूजिक भी कंट्रोल कर पाएंगे। और क्या है मैं और भी दिखा दूं आपको, पहली बात है कि अगर आप लाइट पे देखेंगे ना तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे आपको ऑटो देखने को मिलेगा। मैं यहाँ से दिखाऊं ना तो आपको अच्छे से लगेगा, ये भाई ये ऑटो दिया है, मतलब लाइट जो है वो ऑटो है। और वाइपर को लेके बात करें, वॉश एंड वाइपर वो भी जो है ऑटो दिया गया है। ये जो है आपको 10 इंच का जो है डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे रेंज देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे स्पीड और बाकी जितना भी टेल साइन है वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। एक चीज जो मुझे आपको जरूर दिखाना है, आप नजर रखिए, यहाँ पे सिटी दिया गया है और साथ में यहाँ पे रेंज शो हो रहा है। अभी अगर मैं इसको चेंज करके इको पे जाऊँ, आंटी तो जरूर बोलेगी भाई इकोनॉमी में चला गया, आपका रेंज भी बढ़ चुका है। पर अगर मैं स्पोर्ट पे चला जाता हूँ,
स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। आंटी फिर से बोल दी कि अब स्पोर्ट पे हो आप भूल ना जाओ, साथ में यहाँ पे रेंज भी गिर चुका है, तो मतलब समझ जाइए कि इसी से जो है आपका चेंज होने वाला है रेंज। तो रेंज जो है चेंज होगा कि आप कौन सा मोड पे हो। साथ ही बता रहे यहाँ पे जो आपको 10.25 इंच का म्यूजिक सिस्टम भी मिलने वाला है। इसका रिस्पॉन्स जो है काफी अच्छा है। इसको पहले जब हमने डॉट ईवी पे देखा था, मतलब नेक्सॉन डॉट ईवी में देखा था ये, तो उस समय भी ये जो है काफी अच्छा था, अभी भी ये काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है और इससे जो है बहुत सारे चीज आप कर सकते हो। और एक चीज में इसके इंटरेस्टिंग दिखा दूं, यहाँ पे आपको मूड लाइट का ऑप्शन भी मिल जाएगा और मूड लाइट में जो है आप अपने मनपसंद जो है कलर भी चेंज कर पाओगे। पर हाँ ये सिर्फ ग्रीन के ऊपर ही बेस्ड है, दूसरा कोई कलर जो है आप इसमें डाल नहीं पाओगे, ये एक खराब मुझे लगा। साथ में देखेंगे कि का जो वेंट है उसका पूरा स्टाइल ही उन्होंने चेंज कर दिया, मुझे देखने में ये काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ब्रश, यहाँ पे सिल्वर कलर दिया गया है और यहाँ पे आपको व्हाइट एक्सेंट देखने को मिलेगा। नीचे जो ये पूरा पैनल नेक्सॉन से पूरा पूरा चिपकाया गया है, पर इसका फंक्शन जो है काफी अच्छा है, तो इसको लेकर कोई कंप्लेन नहीं है। 360 कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा लॉक करने के लिए, बूट रिलीज, हैजर लाइट का बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल, सामने का फॉग लाइट, आपको चार्जर जो है उसको लॉक करने के लिए और चार्जिंग पॉइंट ओपन करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। एसी जो है सिर्फ सिंगल जोन है, डुअल जोन एसी नहीं है, पर ऑटो एसी आपको मिल जाएगा इसके साथ। और नीचे क्या है, तो भाई और नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, साथ ही में जो है एक टाइप सी 5 वोल्ट का और साथ में आप नॉर्मल एक टाइप ए मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे आप फोन भी रख के चार्ज शायद कर पाओगे, हाँ भाई बिल्कुल कर पाओगे, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग दिया गया है। और यहाँ पे जो है आपको ड्यूल डायल भी मिल जाएगा, ये भी जो है नेक्सॉन मैक्स से ही लिया गया है, तो अभी जो नेक्सॉन मैक्स तो नहीं रहा, अभी नेक्सॉन डॉट ईवी हो गया है, वहां से मिल जाएगा आपको। तो ये जो है काफी अच्छा ही है कि यहाँ पे शो होने वाला है, साथ में बटन भी मिल जाएगा आपको। और हाँ इसके साथ जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंडब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, दो कप होल्डर भी मिल जाएगा और यहाँ पे छोटा सा एक स्पेस है, चाहे तो अपना चाबी यहाँ पे रख सकते हो। आर्मरेस्ट की बात करें, आर्मरेस्ट जो है स्लाइड आउट नहीं होगा, ये फिक्स्ड है, पर इसके नीचे काफी जैसा डीप पॉकेट दिया गया है, सामान भी आप रख पाओगे। ग्लव बॉक्स की बात करें, ग्लव बॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ग्लव बॉक्स का ओपनिंग जो है काफी स्लो है, तो मतलब ठीक है भाई, इसका स्पेस भी काफी अच्छा दिया गया है अंदर, साथ में यहाँ पे कूल दिया गया है, साथ में एक लाइट भी दिया गया है, तो आपको दिक्कत भी कोई नहीं होने वाला है। और बात करें और क्या है, तो मिरर जो है इलेक्ट्रोक्रोमेटिक मिरर दिया गया है, मैं लाइट बंद कर दूँ, हाँ देख लीजिए, तो भाई इलेक्ट्रोक्रोमेटिक मिरर मिल जाएगा आपको, ये बहुत बहुत अच्छा बात है। और हमारा सबसे प्यारा सनरूफ भी आपको मिल जाएगा, हाँ भाई इस गाड़ी के साथ आपको सनरूफ का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो कहीं भी कुछ भी चीज जो है ये लोग छोड़े नहीं है, हर एक चीज जो मुमकिन हो सकता है इस प्राइस में सब कुछ को जो है ठूस ठूस के भर दिया गया है अंदर। और इंटीरियर से देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे तो भाई काफी अच्छा लगा ये देखने में। तो भाई और क्या है, मैं बात कर रहा हूं, देखिए अगर आप ये वाला गाड़ी ले रहे हो तो आपको जो है 6 एयरबैग मिलने वाला है एज ए स्टैंडर्ड। कोई भी वेरियंट लीजिए पंच ईवी का, आपको 6 एयरबैग ही मिलने वाला है। अब आ जाते हैं बात पे, तो देखिए इसमें जो है आपको 4 वेरिएंट मिलने वाला है, मतलब एक है स्मार्ट, दूसरा है स्मार्ट प्लस, साथ में मिलने वाला है आपको एडवेंचर, साथ मिलने वाला है आपको एम्पावर और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट एम्पावर प्लस। अभी यहाँ पे खत्म नहीं है, अगर आप स्मार्ट या स्मार्ट प्लस ले रहे हो तो आपको जो है एक बैटरी ऑप्शन मिलने वाला है, वो है मीडियम रेंज का, जो इसके साथ नहीं है, वो है आपका 24 किलोवाट का बैटरी आपको मिलने वाला है स्मार्ट या फिर स्मार्ट प्लस से। अगर आप एडवेंचर ऑनवर्ड्स गाड़ी में जाते हो तो आपको जो है टॉप ऑफ द लाइन 34 किलोवाट का जो बैटरी पैकेज जो इसमें है वो आपको मिल जाएगा। प्राइस स्टार्टिंग हो रहा है कुछ 11 लाख से, और अगर टॉप एंड वेरिएंट आप ले रहे हो मतलब एम्पावर प्लस, तो उसका प्राइस है 14.5 लाख, एक शोरूम प्राइस है। पर अगर आप सनरूफ के शौकीन हो और आपके गाड़ी में सनरूफ तो भाई होना ही चाहिए, वरना आप गाड़ी को गाड़ी ही नहीं मानते हो, तो जो है थोड़ा सा खर्चा ज्यादा करना है, ज्यादा नहीं सिर्फ 50,000 देना है। एडवेंचर ऑनवर्ड्स कोई भी वेरिएंट आप में सनरूफ के साथ आ जाएगा अगर आप 50,000 रुपये और खर्च करोगे। तो गाड़ी का जो ये वाला वेरिएंट है हमारे पास, ये लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट है एम्पावर प्लस विद सनरूफ, तो इसका जो प्राइस है एक शोरूम वो है कुछ 14,95,000 रुपीज, मतलब कुछ 15 लाख आसपास आप पकड़ लो एक शोरूम प्राइस है इसका। तो वारंटी का बात करें तो आपको जो है 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर का स्टैंडर्ड वारंटी आने वाला है इसके साथ। तो भाई वारंटी काफी तगड़ा है, मतलब टाटा को भी अपने प्रोडक्ट पे काफी ज्यादा भरोसा है। तो वीडियो को जो था जो भी चीज था दिखाने के लिए सब तो मैंने दिखाया था, कुछ भी छूटा नहीं गया है जितना मुझे याद है, फिर भी अगर कुछ छूट गया तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए, उसके बारे में जरूर हम लिख देंगे आपके लिए। तो वीडियो को यहीं पर रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो पंच ईवी खरीदने के लिए वेट करे और जो अच्छे से एक वीडियो में गाड़ी को देखना चाहते थे, आशा करते हैं उनको भी ये गाड़ी अच्छा लगेगा। अगर गाड़ी चला है तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए, बाइक चला है तो हेलमेट जरूर पहनिए। मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू।